हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां आपको दर्शन कराएंगे श्री बड़े हनुमान जी का। लोगों का मानना है यहां पे जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं श्री बड़े हनुमान जी और दर्शन कराते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं बन रहा था, मैं कुछ दूसरे काम में व्यस्त था, तो आज सोचा कि चलिए दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर से चालू करते हैं ब्लॉगिंग। ये नौलखा मंदिर है जो कि बड़े हनुमान जी के पास में है। शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे, और काफ़ी ढेर सारे लोग यहाँ पे अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और हनुमान जी उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, हम भी पीछे खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ढोल ताशे बजा के नाच रहे हैं, ये देखिए। अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती जा रही है, अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, फिर भी धीरे से लोग अपना। सजावट काफ़ी अच्छा किया गया है, 15 अगस्त अभी हाल फिलहाल में बीता हुआ है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं श्री राम जानकी जी का, एक मिनट। दोस्तों, यहाँ पे सुंदर काट का पाठ हो रहा है, जो आपने जिसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि हम भी बैठ कर गए। चलिए बजरंग बली का दर्शन करते हैं, सुंदर काम कर रहे हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, बजरंग बली जी का दर्शन प्राप्त हो गया है,
अब ले चलते हैं आपको लाल किले के पास। शाम काफ़ी हो गया है, नहीं तो आपको और जगह भी घुमाते हैं। अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे और भी, तब तक के लिए चलिए आपको लाल किले के पास चलते हैं, सॉरी अकबर किला, अकबर किले के पास आपको ले चलते हैं, जहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग फहराया जाता है। ये देखिए हवा में लहराता हुआ अपना तिरंगा। दोस्तों ये देखिए झूसी का पुल दिख रहा है, और इधर आपको दिखेगा नौलखा मंदिर। अगले ब्लॉग में आपको नौलखा मंदिर और अकबर किला सब कुछ इसके बारे में बताएंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और प्रयागराज वाले से अनुरोध है कि कृपया सपोर्ट करो भाई को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।